आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स का लड्डू। बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाऊंगी। इसमें कोई भी शुगर का ऐड नहीं करूंगी और घर में ना बच्चे से लेके बड़े लोग तक सभी इस लड्डू को खा सकते हैं। और इस लड्डू को बना के ना 1 महीना के ऊपर भी स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ भी खराब नहीं होता है। तो चलिए बनाते हैं आज का रेसिपी। पहले मैं 1/2 कप अखरोट ले लिया, ग्राम का हिसाब से 34 ग्राम्स हुआ है। और इसमें 200 ग्राम मैंने खजूर ले लिया हूँ। खजूर के अंदर कोई भी बीजा नहीं था, पहले से ही निकला हुआ था, तो इसको मैं चॉप कर लूंगी। आपके पास ऐसा चॉपर ना हो तो मिक्सिंग ग्राइंडर में भी आप ग्राइंड कर सकते हो। बस याद रखना, ग्राइंड करने के टाइम कोई भी पानी का यूज नहीं करेंगे। देखिए चॉपर से कितना अच्छा तरीके से ये एकदम मिक्स हो चुका है खजूर। अभी मैं एक फ्राई पैन ले लूंगी। पैन गरम होने से मैं 1/2 कप पहले आलमंड डाल रही हूँ। 2 मिनट तक इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं 1/2 कप काजू और 1/2 कप अखरोट डाल रही हूँ। सभी को मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर दूंगी 3 से 4 मिनट तक। गैस का फ्लेम को मैं एकदम लो रखी हूँ। लो फ्लेम में इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब गरम रहते हुए ना इसको चाकू का मदद से चॉप कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट करने के लिए एक क्रंचीनेस आ गया है, तो बहुत जल्दी और आसानी से ये छोटा छोटा पीस में कट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अभी उसी पैन में मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी गर्म होने से मैं 150 ग्राम मावा डाल रही हूँ। इस मावा में कोई भी शुगर ऐड नहीं है। गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो रखी हूँ मैं। लो फ्लेम में मावा को हल्का सा चला लेंगे। अभी ऊपर से डाल देंगे खजूर को और बहुत हल्का हाथों से दोनों को प्रेस कर करके एकदम मिक्सिंग कर लेंगे। मावा देने के कारण लड्डू में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन ये ऑप्शनल है। आपके पास नहीं हो तो नहीं भी डाल सकते। अभी सब कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और सभी को मिक्स कर लेंगे। मीठापन के लिए मैं इसमें कोई भी शुगर ऐड नहीं किया हूँ। खजूर से ही मीठा हो जाएगा। आपको अगर और भी मीठा चाहिए तो इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। अभी सभी को अच्छा से मिक्स कर लेंगे। सभी कुछ अच्छा से मिक्स हो चुका है। अब गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और गरम रहते हुए एक लड्डू बना के चेक कर ले रही हूँ। लड्डू एकदम परफेक्ट बन रहा है। अभी पैन से एक थाली में सभी को निकाल लेंगे और कोशिश कीजिएगा गरम रहते हुए लड्डू को बनाने का, जितना आप हाथ में सह सकते हो। बस मैं छोटा छोटा करके लड्डू को बना ले रही हूँ। इसमें दोनों हाथ का कोई जरूरी नहीं पड़ता है, एक ही हाथ से प्रेस कर करके छोटा छोटा लड्डू बन जाता है। बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी भी बनता है। गरम रहते हुए एक एक करके मैं सभी लड्डू को बना लिया हूँ। अब एक एयर टाइट जार में मैं सभी लड्डू को रख देंगे और इसको फ्रीज में रख देंगे ताकि बहुत दिन तक ये एकदम अच्छा रहे। इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स लड्डू आप भी घर में बनाइए, खुद भी खाइए और बच्चे लोग को भी खिलाइए। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही हेल्दी है। और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए।